वेलकम टू आवर टेक्निकल चैनल टेक्निकल मंजूर में। आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे वीवो Z1X के OTA अपडेट और इनफिनिक्स हॉट 8 का लेटेस्ट OTA अपडेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं क्या क्या अपडेट के नया फीचर्स मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इनफिनिक्स हॉट 8 का मेन ऑप्शन पर हम आ चुके हैं, तो जाकर देखते हैं क्या क्या अपडेट मिला है इस फोन में। तो चलिए फर्स्ट मेनू ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके सेटिंग्स पर जाते हैं। सेटिंग्स पर जाने के बाद हम अबाउट सेक्शन में देखेंगे कि क्या अपडेट मिला है इस फोन में। तो सिस्टम पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर चीता 5.0.2 का वर्जन अभी तक मौजूद है। तो चलिए सिस्टम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं और ऑनलाइन अपडेट पर क्लिक करके देखते हैं कि अपडेट मिला है कि नहीं। तो यहाँ पर अपडेट मिला है और यहाँ पर कुछ सतर्कवाणी दिया है कि आपका फोन रूटेड है तो आप इस अपडेट को मत कीजिए क्योंकि आपका फोन में डैमेज हो सकता है। और एक सतर्कवाणी है, इस OTA अपडेट को जब आप इंस्टॉल करेंगे तब आपका फोन में 50% से लो बैटरी परसेंट है तो आप जल्दी से जाकर चार्ज में प्लग इन कर दीजिए। और यहाँ पर जो अपडेट मिला है इम्प्रूवमेंट यूजर एक्सपीरियंस में इम्प्रूवमेंट आएगा और ऑप्टिमाइज सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम में कुछ स्टेबिलिटी ऑप्टिमाइज्ड होगा। तो ये था छोटी सी अपडेट और इसका जो साइज है 240 MB का। तो आपका फोन में ये अपडेट आया है तो जल्दी से जल्दी अपडेट कर लीजिए क्योंकि फोन में जब OTA अपडेट आता है तो फोन के लिए ही बेहतर होता है कि अपडेट किया जाए। अब हम आ चुके हैं Vivo Z1X के मेनू ऑप्शन पर और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हम जाकर देखते हैं कि इसमें कौन सा अपडेट आया है। तो इसके लिए सिस्टम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी है और यहाँ पर एक अपडेट मिला है 1.9.8 का और ये अपडेट का साइज है 44.38 MB, यानी कि एक छोटा सा अपडेट है। तो यहाँ पर सिस्टम नेटवर्क और तो यहाँ पर सिस्टम पर कुछ अपडेट मिला है। यहाँ पर पावर कंजम्पशन के जो थर्ड पार्टी एप्स का इशू आ रहा था उसमें आपको फिक्सेड वगैरह देखने को मिलेगा और यूजर इंटरफेस डिस्प्ले में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। विजुअल इफेक्ट्स में ऑप्टिमाइजेशन होगा। मैनेजमेंट में कुछ ऑप्टिमाइजेशन परमिशन होगा, इसके वजह है फोन को सेफ रखने का। और कुछ ऑप्टिमाइजेशन होगा कॉम्पेटेबिलिटी बिटवीन द सिस्टम एंड सम थर्ड पार्टी एप्स के ऊपर यहाँ पर कुछ ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा आपको। और नेटवर्क के ऊपर कुछ ऑप्टिमाइजेशन आएगा, जैसे कि नेटवर्क एडाप्टेबिलिटी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिलता है नेटवर्क के ऊपर। और कुछ इंस्ट्रक्शन नीचे में दिया है अबाउट सिस्टम अपग्रेड के बारे में। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। इस वीडियो में ये था फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और नए है तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और इस वीडियो को आपका फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। दैट्स इट।